आखिर मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा जन्म लेती है? दुनिया के हर इंसान के मन में कभी ना कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है। आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी शव यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु क्या है? क्या होता है मरने के बाद? मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की बातें और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस तरह की मान्यताओं और धारणाओं में से अधिकांश काल्पनिक और मनगढ़ंत एवं झूठी होती हैं। किंतु समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे रत्नों, तत्वज्ञानियों एवं योगियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाया है। ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष समाधि के उच्च स्तर पर पहुंचकर समय के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि कालातीत हो जाते हैं। इस कालातीत अवस्था में पहुंचकर वे यह आसानी से जान सकते हैं कि मृत्यु से पहले जीवन क्या था और मृत्यु के बाद जीवन की गति क्या होती है। वैसे जीवन का न तो कभी प्रारंभ होता है और ना ही कभी अंत। लोग जिसे मृत्यु कहते हैं वह मात्र उस शरीर का अंत है जो प्रकृति के पांच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है। मानव शरीर तो नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। भले ही मनुष्य या कोई अन्य जीवित प्राणी 100 वर्ष या उससे भी अधिक क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, क्योंकि एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं जो हमें दिखाई पड़ता है, दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। एक शरीर की जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर जो गिर जाता है, लेकिन वह जो सूक्ष्म शरीर है, जो सेटल बॉडी है, वो नहीं मरती है। आत्मा दो शरीरों के बीच वास कर रही है, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय हमारा स्थूल शरीर गिर जाता है। यह जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना, ये जो हड्डी, मांस, मज्जा का बना शरीर है, यह गिर जाता है। इसके बाद सूक्ष्म संवेदनाओं का हमारा शरीर रह जाता है। सूक्ष्म तंतुओं का यह शरीर फिर नई आत्माओं के साथ एक सफर पर निकल जाता है और फिर एक नया स्थूल शरीर ग्रहण करता है। माँ के गर्भ में जब नई आत्मा का प्रवेश होता है तो उसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर का प्रवेश। मृत्यु के समय हमारा सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, ना कि सूक्ष्म शरीर। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। इस अवस्था में हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को मोक्ष मिल गया है। इसके बाद वह आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वह आत्मा जिस विराट में लीन हो जाती है वह एक ही है। जैसे कि बूंद सागर में मिल जाती है, वैसे ही यह आत्मा विराट में विलीन हो जाती है। आत्मा का तत्व एक है। उस आत्मा के संपर्क में आकर दो तरह के शरीर सक्रिय होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से हम परिचित हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से योगी परिचित होता है, और योग से भी ऊपर जो उठ जाते हैं वो उस आत्मा से भी परिचित हो जाते हैं। सामान्य आंखें केवल इस स्थूल शरीर को ही देख पाती हैं, जबकि ध्यान उस सूक्ष्म शरीर को देख पाता है। लेकिन वह व्यक्ति जिसे समाधि घटित हो गई है, वह उस सूक्ष्म शरीर के भी पार चला जाता है। वह हर उस संवेदना को पहचान लेता है जो सूक्ष्म शरीर के परे है। कोई व्यक्ति जब ध्यान से ऊपर उठ जाता है तो उसे समाधि घटित होती है, और जो उसे समाधि में घटित होता है वह परमात्मा ही है। साधारण व्यक्ति का अनुभव शरीर का अनुभव है, एक योगी का अनुभव सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, जबकि एक परम योगी का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा तो केवल एक है, जबकि सूक्ष्म शरीर अनेक हैं और स्थूल शरीर तो अनंत हैं। वो जो सूक्ष्म शरीर है वह है कॉजल बॉडी। यह हमारा सूक्ष्म शरीर ही नए स्थूल शरीर को ग्रहण करता है। जिस प्रकार ये इलेक्ट्रिसिटी एक है, जबकि उससे जलने वाले बल्ब अनेक हैं। बल्ब दो अलग अलग शरीर हैं, जबकि उनके अंदर बह रही ऊर्जा, बह रही इलेक्ट्रिसिटी एक है, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मानव के स्थूल शरीर अनेकों हैं, लेकिन उनके अंदर बह रही ऊर्जा, बह रही आत्मा एक है।
इसी प्रकार हमारे भीतर से जो चेतना झांक रही है वह चेतना एक है, लेकिन उस चेतना को झांकने में दो उपकरणों का प्रयोग किया गया है, एक सूक्ष्म शरीर का और दूसरा स्थूल शरीर का। एक साधारण मनुष्य का अनुभव स्थूल देह तक ही सीमित रह जाता है। यह अनुभव जो स्थूल शरीर पर आकर रुक जाता है, यही मनुष्य के जीवन का अंधकार है, यही मनुष्य के जीवन का दुख है। लेकिन कुछ लोग सूक्ष्म शरीर पर भी रुक सकते हैं। तो जो मनुष्य सूक्ष्म शरीर पर आकर रुक जाते हैं वो कहते हैं आत्माएं अनंत हैं। लेकिन जो मनुष्य सूक्ष्म शरीर से भी परे चला जाता है वो कहता है परमात्मा एक है, आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। इसलिए सिद्ध योगी कहते हैं कि जो आत्मा परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाती है उसका जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाता है। वैसे आत्मा का तो कोई जन्म मरण है ही नहीं। आत्मा तो न कभी जन्मी है न कभी मरेगी। वह जो सूक्ष्म शरीर है उसके समाप्त होने पर भी कोई जन्म मरण रह ही नहीं जाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही कारण है नए जन्म का। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, इन सभी का संयोग ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमें आगे की यात्राओं पर ले जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के सारे विचार ही नष्ट हो गए, जिस व्यक्ति की सभी वासनाएं छीण हो गई, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं ही विलीन हो गई, जिसके अंदर अब कोई भी इच्छा शेष ना रही हो, उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, जाने का कोई कारण ही नहीं बचता, जन्म की कोई वजह ही नहीं रह जाती। तो जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा ही शेष ना रही हो तो उसका जन्म क्यों होगा? वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु और जन्म के चक्र को समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी एक घटना है। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस भोजन के प्रति बड़े ही लोलुप हुआ करते थे। वे हमेशा भोजन के लिए बड़े ही आतुर हुआ करते थे। वो भोजन के प्रति इतने आतुर हो जाते थे कि रसोई में पहुंच जाते थे और अपनी पत्नी शारदा से पूछते थे कि आज भोजन में क्या बना है। कभी ब्रह्म की चर्चा चल रही हो और उन्हें ध्यान आ जाता कि उन्हें भोजन करना है तो सीधे घर आ जाते और पूछते कि आज भोजन में क्या बना है। उनकी पत्नी शारदा ने उन्हें कई बार डांटा कि आप यह क्या करते हैं, लोग क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति जो लोगों को ब्रह्मचर्य सिखा रहा है वह भोजन के प्रति इतना आतुर है। रामकृष्ण परमहंस हमेशा अपनी पत्नी शारदा की बातों को सुनते और चुप रह जाते। कई बार उनके शिष्यों ने इस बारे में उनसे बात की। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी बदनामी होती है, लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा जिसकी अभी भूख ही ना मिटी हो। एक दिन शारदा ने रामकृष्ण परमहंस को बहुत बुरा भला कहा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे पागल, तुझे पता नहीं, जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि प्रकट करूं तो समझ लेना कि मेरा जीवन 3 दिन शेष है। जिस दिन भोजन के प्रति मेरी उपेक्षा हो तो तुम समझ लेना कि 3 दिन में मेरी मौत निश्चित है। शारदा कहने लगी कि इसका अर्थ, रामकृष्ण कहने लगे मेरी सारी वासनाएं छीण हो चुकी हैं, मेरी सारी इच्छाएं विलीन हो गई हैं, मेरे सारे विचार नष्ट हो गए हैं, लेकिन इस संसार के हित के लिए मैं रुका रहना चाहता हूं। मैं एक वासना को जबरदस्ती पकड़े हुए हूं, जैसे किसी नाव की सारी जंजीरें खुल गई हो और किसी एक जंजीर से नाव अटकी रह गई हो, और यदि एक जंजीर और टूट जाए तो नाव अपनी अनंत यात्रा पर निकल जाएगी। मैं चेष्टा करके रुका हुआ हूं, लेकिन उस दिन यह बात किसी के समझ में ना आई। रामकृष्ण की मृत्यु के 3 दिन पहले शारदा थाली लगाकर रामकृष्ण के कमरे में गई। वो बैठे हुए देख रहे थे, उन्होंने थाली देखकर आंख बंद कर ली और लेट गए। उन्होंने पीठ कर ली शारदा की तरफ, तो शारदा को यह समझ आया कि उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि पैदा करूं उसके 3 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। उसके हाथ से थाली झन्ना कर नीचे गिर पड़ी, वो छाती पीट कर रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रो मत, तुम जो कहती थी वह बात अब पूरी हो गई है। 1-3 दिन बाद रामकृष्ण की मृत्यु हो गई। एक छोटी सी वासना को वो प्रयास करके रोके हुए थे। इतनी छोटी सी वासना उनके जीवन का आधार बनी हुई थी। वह वासना भी चली गई तो उनके जीवन यात्रा का अंत हो गया। जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, जिन्हें हम योगी कहते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं, उनकी भी केवल एक ही वासना शेष रह गई होती है और वो जानबूझकर उस वासना को शेष रहने देना चाहते हैं ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके।
जिस दिन वो वासना भी क्षीण हो जाती है उसी दिन उनकी जीवन की यह यात्रा भी समाप्त हो जाती है और अनंत की अंतहीन यात्रा शुरू हो जाती है। उसके बाद ना तो कोई जन्म है ना कोई मरण है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूं कि मृत्यु क्या है और एक आत्मा द्वारा कब जन्म लेती है इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।